और उनसे यहाँ मौजूद हैं। जी जी ठीक है, तो इस वक्त हमारे साथ जी मदर सामिन, तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ अम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान मसरूर अहमद जुनेजा साहब इस वक्त लाइन पे मौजूद है, हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। टेलीफोन कॉल के लिए उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि 23 मार्च अभी आ रहा है दो चार दिनों के बाद, और इस दिन के हवाले से एक तो वो क्या फरमाना चाहेंगे यहाँ अपनी कम्यूनिटी को, और इसके साथ साथ जो कुछ भी एक्टिविटीज़ यहाँ अम्बेसी में या हमारी कम्युनिटी में हो रही हैं इन सब के हवाले से वो उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब जुनेजा साहब। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया और हमारे साथ अपनी काम के हवाले से बातें शेयर करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके अपनी कम्युनिटी से मुखातिब हूँ। थैंक यू जी, और इंशाल्लाह हम लोगों का ये जो है रास्ता वो बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। जी जनाब साहब, 23 मार्च आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि इस वजह से भी कि इस वक्त सूरत इस तरह की बन चुकी है डेनमार्क में कम्युनिटी के हवाले से कि तमाम कम्युनिटी मुतफिक होकर इतफाक़ से प्यार से अम्बेसी के साथ मिलकर ये दिन मनाने जा रही है, आप इसमें क्या फरमाना चाहेंगे मजीद? मुझे वाकई ये जान के खुशी हो रही है कि अमेरिकी जिस तरह हमेशा हमारे साथ तावन करती है, पिछले साल भी 23 मार्च का जब परचम कुशाई का जो फंक्शन हुआ था उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आए और उन लोगों ने खुशियाँ बांटी हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 15 अगस्त के मौके पे भी माशाल्लाह कम्युनिटी का जो एक कम्युनिटी का ताउन था वो काबिले खुशी था, काबिले तारीफ था, और मैं इस दफ़े भी ये तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह 23 मार्च को जो सोमवार का दिन है सुबह को प्रथम कुशाई की तकरीब हम मुनक्कद करेंगे 9 बजे से 11 बजे तक, ठीक है, और मैं यही उम्मीद करूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं वो बड़ी तादाद में शामिल होंगे, खुद तो लाएँगे अपने बच्चों को भी लाएँ, फैमिली को लाएँ, दोस्तों को भी लाएँ, क्योंकि ये एक तजवीज़ वफादारी दिन है और इसमें आप ले आके कम से कम अपने झंडे की जो फतेह खुशाई होती है उसको सलाम करना मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी के लिए एक बात खुशी होता है। तो मुझे यही तवक्को है कि इस साल भी पिछले साल की तरह